तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में मैं यहां से आपको बताने वाला हूं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये रात भर से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इस वायरल क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जरूर जाइएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है ये बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर है। तो हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका पूरा ये व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आप लोग यहां से इसको देख सकते हो, ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं जैसा कि आज मैं यहां से आपको बता रहा हूं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आप लोग यहां से इसको पूरा देखकर जाइएगा, तभी जाके आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर समझ में आ पाएगा। तो देखिएगा आपका जो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर होगा इसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 नंबर का पूरा ये पेपर होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आप लोग यहां से प्यारे विद्यार्थी उसको पूरा देख कर जाइएगा, तभी जाके आपको पूरा ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख ले और पूरा समझ ले। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, चार्टर पार्टी है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका क्या जाएगा, यहाँ से देख लें, ये एक अनुबंध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे, स्थानीय संसाधनों पर ये निर्भर करते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देख लें, करों का भुगतान। उसके बाद में चौथा देखते हैं, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ। चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग यहां से देख लें, 1970 में हुआ। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, बैंक का कार्य नहीं है, तो पांचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, वस्तुओं का व्यापार करना। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संगठन के रूप है, तो देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, ये सभी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को नोट कर लें और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, थोक व्यापार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट करते चले। पहला क्वेश्चन लिखा है, थोक व्यापार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा, अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर लाभांश देना चाहिए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से आप लोग लिख लें, पूरक होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन तीसरा, तो देखिएगा तीसरे के बाद में चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को कहते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं ई कॉमर्स, तो यहाँ से लिख लें, ई और कॉमर्स इसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, बीमा का मूल आधार है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बीमा का मूल आधार क्या है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, इसका मूल आधार है सहयोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे नंबर का, इसमें लिखा है, एकांकी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एकांकी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो यहाँ से लिख लें आप लोग, असीमित होता है, कैसा, असीमित। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें, लाभ का प्रतिफल है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लाभ जो है व्यावसायिक जोखिम का प्रतिफल है, तो यहाँ से लिख लें, लाभ जो है व्यावसायिक जोखिम का प्रतिफल है, तो इस प्रकार से लिख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सही जोड़ी, तो देखिएगा सही जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको करना होगा। पहले नंबर का क्वेश्चन, निर्यात संवर्धन, तो देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान आप लोग राह से कर लें। उसके बाद में अधिकार हस्तांतरण, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान आप लोग दा से कर लेंगे। उसके बाद में कुटीर उद्योग, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान आप लोग इससे कर लें। उसके बाद में ऋण पत्र, चौथे नंबर का, तो देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान आप लोग यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद में पाँचवा लिखित संदेश, पाँचवें की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका बा से हो जाएगा और छठी की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इसका जोड़ के मिलान पूरा कंप्लीट कर लें और छठी के बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी थोक व्यापारी जो होते हैं अपना माल
फुटकर व्यापारी को बेचते हैं, तो यहाँ से लिख ले फुटकर व्यापारी को अपना माल ये बेचते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे 5 करोड़ है इसकी सीमा, कितनी 5 करोड़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है। तो देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख लें इसका प्रतिफल होता है ब्याज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख लें साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसको कहते हैं साझेदारी संलेख। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे साझे और दारी और आगे आपको लिखना संलेख, इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लोग नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, कंपनी के स्वामी इनको कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिवहन उद्योग जो होता है तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है, तृतीयक उद्योग इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लिख लें मछली पकड़ना जो है निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है, निष्कर्षण और उद्योग के अंतर्गत मछली पालन आता है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएँ बेची जाती है। तो देखिएगा पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करता है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। चौथा देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में पाँचवा देखते हैं, ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा देखते हैं, बीमा एक अनुबंध नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग सत्य असत्य को देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अभी आप लोग प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को देख लें और इसके बाद में फिर मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे के पूरे आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से पहले इन प्रश्नों को देख लें और इसके बाद में मैं आपको इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक ही साथ में देने वाला हूँ। तो पहले आप लोग टोटली पूरे क्वेश्चन पेपर को इस प्रकार से देख लीजिएगा, टोटली आपके पेपर में इतने क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से प्रत्येक प्रश्न को और उसके उत्तर को नोट कर लेंगे। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहीं से आप लोग इसके उत्तर को नोट कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिखा गया है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर को नोट कर लें अच्छे से। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को अच्छे से नोट कर लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से देख लेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। और 11 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 12वां क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर को नोट कर लेंगे, GST किन करों के बदले वर्तमान में लगाया जा रहा है। तो देखिएगा GST जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, खरीद कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, मनोरंजन कर आदि के रूप में GST लगाया जा रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर लिखा है, प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से देख लेंगे और पूरा याद कर लेंगे। और 14 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से देख लें, विदेशी व्यापार के 2 दोष बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा
ये क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, व्यवसाय पेशा व रोजगार में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग यहाँ तक का इसको पूरा नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा उत्तर दिया गया है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थी 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा। सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लें। और 17 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ से इस प्रकार से आप सभी को इसको अच्छे से याद कर लेना है। और 18 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 19वां क्वेश्चन ये लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लें, अंश और स्कंद में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग इस जगह से इसको देख लीजिएगा और पूरा नोट कर लें और याद कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 19 के बाद में 20वां क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ से देख लें, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना में ध्यान रखने योग्य कोई 5 प्रमुख तत्वों को समझाइए। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 20 को याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, आप सभी लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 को याद कर लें, भारत में लघु उद्योग की क्या सीमाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 21 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, थोक व्यापारी के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लें और पूरा याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से देख लें, भारत में विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए किन नीतियों का योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग अच्छे से याद कर लें पूरा इस प्रकार से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ से आपको पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन दे दिया है। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।